दोस्तों, आपने कई बार टॉम एंड जेरी शो के लास्ट एपिसोड में टॉम एंड जेरी की डेथ वाली कंट्रोवर्सी के बारे में कई बार सुना होगा। आप सबको टॉम एंड जेरी का ये एपिसोड तो याद होगा ही, जिसमें दोनों टॉम एंड जेरी प्यार में धोखा खाकर सुसाइड कर लेते हैं। और ये एपिसोड टॉम एंड जेरी कार्टून का लास्ट तो नहीं लेकिन फाइनल एपिसोड था। और इस एपिसोड के बाद भी टॉम एंड जेरी के और भी एपिसोड बने हैं। तो ये एपिसोड फाइनल एपिसोड कैसे हुआ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी के बारे में कि आखिर टॉम एंड जेरी का अंत कैसे हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूं नेगस और आज हम हमारे बचपन को थोड़े फंडामेंटल नजरिए से देख के टॉम एंड जेरी के फाइनल एपिसोड के बारे में बात करेंगे। टॉम एंड जेरी शो दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनिमेटेड शो में से एक है और इस शो के चाहने वालों की कोई गिनती नहीं है। ये शो कई रूप में बार बार सभी फैंस के सामने आया है, लेकिन इन्हीं एपिसोड्स में एक एपिसोड ऐसा है जिसका नाम है ब्लू कैट ब्लूज, जिसमें टॉम एंड जेरी के एंड को बताया गया है। तो दोस्तों, याद कीजिए उन गोल्डन डेज को जब टीवी पर शाम 5 बजे पॉकीमोन, फिर ड्रैगन बॉल जी, फिर बेंटन और बाकी वक्त में टॉम एंड जेरी जैसे लेजेंडरी शोज आया करते थे। हम हमेशा बात करते हैं सिर्फ ड्रैगन बॉल की, लेकिन हमारे बचपन को अनोखा और सुंदर बनाने में हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कार्टून शो का एक बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड फेमस कार्टून शो टॉम एंड जेरी की। इस शो को हम लोगों ने इतना पसंद किया है कि अगर आज भी गलती से ये शो कहीं दिख जाए तो हम बस इसी को देखते रहेंगे। जरा एक बार अपने बचपन की यादों की उन गलियों में झांकिए भाइयों, और देखिए कि आपने इस शो को कितना प्यार दिया है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि टॉम एंड जेरी शो की इस कहानी का अंत कैसे हुआ। टॉम एंड जेरी शो के लास्ट एपिसोड में ऐसा क्या था जिसने इस एपिसोड को एक डार्क एपिसोड का खिताब दे दिया। तो इस एपिसोड की स्टोरी शुरू होती है उदास और डिप्रेस्ड टॉम से, जो कि रेलवे ट्रैक पर यूं बैठा है और इस एपिसोड को जेरी नरेट कर रहा है, जो कि बहुत रेयर था। पुअर टॉम, इन अ फ्यू मिनट्स इट'ल ऑल बी ओवर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही मेट हर। जेरी नरेट करके टॉम की इस बुरी हालत के पीछे के रीजन को बयान करता है और बताता है कि कैसे टॉम एक सफेद बिल्ली के प्यार में पागल हुआ, लेकिन कोई और अमीर बिल्ला बुच टॉम के प्यार को अपनी दौलत के बलबूते पर अपना बना देता है। जेरी बताता है कि पहले वो और टॉम बहुत मजे से रहते थे, लेकिन जब टॉम ने उस व्हाइट कैट को देखा तो वो उसके प्यार में पागल हो गया और उसे इम्प्रेस करने की लाखों कोशिशें करने लगा। और सीधी सी बात है कि ये बिल्ली टॉम का काटने लगी। टॉम ने उसे पटाने की काफी कोशिश की, लेकिन तभी एक अमीर कैट मिस्टर बुच की नजर भी इस बिल्ली पर पड़ी और फिर टॉम जो कुछ भी अपने प्यार को पाने के लिए करता, बीच में बुच आ जाता। टॉम फूल लेके गया तो बुच ने पहले ही बड़ा सा फ्लावर बुके भेज दिया था, परफ्यूम प्रेजेंट किया तो बुच परफ्यूम का टैंक ले आया। अपनी सारी सेविंग्स को बेच के टॉम ने एक डायमंड रिंग खरीद के प्रेजेंट की तो बुच की डायमंड रिंग के सामने टॉम की ये रिंग भी फीकी पड़ी। फिर टॉम ने खुद को और अपनी सारी चीजों को गिरवी रखा ताकि वो एक कार खरीद सके। 312 महीने तक के कार के पेमेंट्स, 112% इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट, अपनी एक आर्म और एक लेग तक को टॉम ने गिरवी रखा और साथ ही साथ 20 साल तक का स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट भी टॉम ने साइन किया ताकि वो ये कार खरीद सके और अपने प्यार को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाए। लेकिन बुच की इस लंबी और महंगी कार ने टॉम की इस कोशिश को भी बर्बाद कर दिया। अब टॉम बहुत ज्यादा मिल्क पीने लगा, जो कि नॉर्मल इंसान के उदास होने पर अल्कोहल पीने को सिंबलाइज कर रहा था। जेरी एक सच्चे दोस्त की तरह टॉम को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम अब डिप्रेशन में काफी ज्यादा डूब चुका था। और फिर वो घड़ी सामने आती है जिसने टॉम को पूरा बर्बाद कर दिया। वो देखता है कि उसका प्यार अब बुच का हो चुका है और उन्होंने शादी कर ली है, और ये देख के टॉम अब सुसाइड करने का फैसला लेता है। और हम एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में पहुंच जाते हैं जहां से जेरी इस पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा होता है। जेरी को टॉम पर बहुत दया आती है, लेकिन वो एक बात के लिए खुश था कि एटलीस्ट उसका सच्चा प्यार उसे धोखा नहीं देगा। और इस भरोसे से भरी जेरी की
इस प्यारी स्माइल में ग्रहण लग गया जब जेरी ने देखा कि उसका प्यार भी किसी और चूहे का हो चुका है। और फिर दोनों टॉम एंड जेरी उदास होके रेलवे ट्रैक पर बैठ के अपनी मौत का इंतजार करते हैं। दोनों डिप्रेस्ड होके यहीं बैठे रहते हैं और स्क्रीन ब्लैक फेड के साथ बंद हो जाती है और पीछे से एक ट्रेन के चलने की आवाज आती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और ये स्टोरी सोसाइटी की सैड रियलिटी को भी बयान करती है जहां लोग टैलेंट की जगह शोहरत, रिलेशंस और लुक्स को प्रेफर करते हैं। अगर एक गुड लुकिंग लड़का सोसाइटी के नजरिए से किसी नॉट सो गुड लुकिंग लड़की से शादी करता है तो पूरा समाज और दोस्त उस लड़के की वाह वाह करते हैं कि उसने सोल से प्यार किया है। वहीं अगर इसे उल्टा कर दिया जाए तो हमारे ही आसपास सब कहते हैं कि इस चूतिए को ये कैसे मिल गई। टॉम एंड जेरी का ये एपिसोड इस शो का 103rd और फाइनल एपिसोड था, लेकिन इस एपिसोड के बाद भी टॉम एंड जेरी के और एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए हैं और इस कंफ्यूजन को अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो जिन लोगों ने भी टॉम एंड जेरी देखा है वो जानते हैं कि टॉम एंड जेरी के सारे एपिसोड्स इंडिपेंडेंट हैं, यानी हर एपिसोड का अपना एक प्लॉट है और उनकी कहानी एक दूसरे एपिसोड से रिलेट नहीं होती। टेक्निकली ब्लू कैट ब्लूज एपिसोड लास्ट एपिसोड नहीं है बल्कि इस एपिसोड को शो का फाइनल एपिसोड बताया जाता है, यानी इस एपिसोड के बाद वाले एपिसोड इस स्टोरी में इससे पहले के हैं जब टॉम एंड जेरी जिंदा थे। MGM स्टूडियोज टॉम एंड जेरी को एनिमेट करता था और 103rd एपिसोड ब्लू कैट ब्लूज इस स्टूडियो में बनाए जाने वाले लास्ट एपिसोड में से एक था। MGM के बाद इस शो को वापस बनाने लगे एक बहुत ही फेमस एनिमेटर मिस्टर चक जोन्स। ऐसा माना जाता है कि शो मेकर्स को लगा कि ये शो अब ज्यादा नहीं चल पाएगा, इसलिए उन्होंने एक ऐसा एपिसोड पहले ही बना दिया जो कि टॉम एंड जेरी की कहानी का फाइनल एपिसोड होगा। लेकिन ये एपिसोड हिस्ट्री के वन ऑफ द डार्केस्ट एपिसोड्स की लिस्ट में शामिल हो गया। ये एपिसोड इतना वायलेटिंग था कि टर्नर एंटरटेनमेंट चैनल के कार्टून नेटवर्क और बूमरैंग ने इस एपिसोड को बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ द रेफरेंसेस टू अल्कोहल एंड सुसाइड। एक्चुअल में टॉम डिप्रेशन की हालत में मिल्क पी रहा था, लेकिन टॉम का यूं दूध पीना अल्कोहल कंजप्शन को ही रिसेंबल करता है जो कि बच्चों पर एक गलत इफेक्ट डालता। प्यार ना मिलने पर सुसाइड करने जैसा कदम उठाना इस सोसाइटी के वन ऑफ द वर्स्ट कर्स में से एक है। अगर शो में जेरी टॉम को डिप्रेशन में जाने से रोक कर ये मैसेज देता कि लाइफ में चाहे कुछ भी बुरा हो जाए वी शुड नेवर लूज होप, तो शायद ये एपिसोड सिर्फ एक ही बार रिलीज ना होता। इस एपिसोड को कार्टून नेटवर्क साउथ ईस्ट एशिया में बस एक ही बार रिलीज किया गया था। तो स्टोरी के हिसाब से ये एपिसोड फिनाले है, लेकिन MGM स्टूडियोज का एक्चुअल लास्ट एपिसोड 114 था जिसका नाम था टॉट वॉचर्स, जो कि 1956 में रिलीज हुआ था। हालांकि ये लास्ट एपिसोड था, लेकिन इस एपिसोड में कुछ भी फिनाले जैसा स्पेशल नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल एपिसोड था ये, क्योंकि शो का फिनाले मेकर्स ने पहले ही बना दिया था। इस 114th एपिसोड के बाद चक जोन्स ने टॉम एंड जेरी के 30 से भी ज्यादा एपिसोड्स बनाए और उसके बाद तो टॉम एंड जेरी को हमने कई मूवीज और सीक्वल्स में भी देखा है और आज भी हम सब टॉम एंड जेरी शो के बहुत बड़े फैन हैं। तो ओवरऑल ये प्लॉट पर डिपेंड करता है कि ब्लू कैट ब्लूज को फिनाले माना जाए या नहीं, क्योंकि ओरिजिनली शो के मेकर्स ने इसे फिनाले की तरह ही बनाया था, लेकिन टॉम एंड जेरी की फैन फॉलोइंग इतनी थी कि इस शो को फिर से जान मिल गई, जो कि बेस्ट डिसीजन था भाइयों, क्योंकि एज अ फैन हम बड़े होके ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते कि टॉम और जेरी भी असल में धोखा खा के ही मरे। बचपन में शायद हमें ये चीजें समझ ना आई हो, लेकिन लाइफ की इस स्टेज में आके अगर आप इस एपिसोड को फिर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिल को चोट जरूर पहुंचेगी, क्योंकि इस स्टोरी में समाज की सच्चाई को बताया गया है और सच हमेशा दुख देता है। तो हमें इन शो से सिर्फ ये सीखना चाहिए कि चाहे कुछ भी बुरा हो जाए हमें हंसते रहना है और कभी हार नहीं माननी। सुसाइड जैसी चीजें कोई सोल्यूशन नहीं है और जो भी लोग जिंदगी में ऐसा भयानक कदम उठाते हैं उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता, इसलिए एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू इज कि हमेशा दूसरों को होप दें और उन्हें कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करें। अगर कोई हमसे अच्छे से बिहेव करता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई बदतमीजी या गंदी तरह पेश आता है तो हमें प्रे करना चाहिए कि उस शख्स की वो टेंशन और एंगर खत्म हो जाए। हम किसी की लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते, वो किन चीजों से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, सो द बेस्ट
best we can do as a human is to spread hope and don't let our loved ones to be alone. Tom and Jerry जैसे shows हमें future में भी खुश रखे और हंसाते रहे ऐसी मैं दुआ करता हूँ और suicide और depression जैसे गंदे ख्याल किसी के दिमाग में ना आए इसकी उम्मीद करता हूँ। ये video अच्छा लगा हो तो like करें और इसे अपने दोस्तों के साथ share जरूर करना। मैं जानता हूँ Dragon Ball के अलावा किसी और topic पर video शायद आपको पसंद ना आया हो, लेकिन इस चैनल पर मैं सिर्फ ड्रैगन बॉल के बारे में बात नहीं करूंगा, ओनली ड्रैगन बॉल फैंस के लिए मैं सारा कंटेंट अपने मेन चैनल निगस सयन पर डालूंगा। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।